सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस के लिए प्लम केक, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी। तो इसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2/3 कप ऑफ शुगर। इसको लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि इसका डार्क ब्राउन कलर ना हो जाए। और जैसे इसका डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लीजिए और इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ हम लेते हैं 1/4 कप ऑफ मिल्क, 1/4 कप ऑफ इसमें लेंगे रिफाइंड ऑयल या बटर और थोड़ा सा वनीला एसेंस। और इसके बाद हम तीनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और मैदा डालने के बाद आप कैरेमलाइज शुगर जो आपने तैयार करी है ठंडी होने के बाद ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से घोल बना लेंगे। गाइस घोल ज़्यादा ही पतला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक, वो थोड़ा सा ही होना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई नट्स, चेरीज एंड टूटी फ्रूटी। गाइस इन सबको पहले ही मैंने अच्छे से बारीक करके कट कर लिया था और कट करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करके उसे साइड में रख दिया था। तो गाइस यहाँ पे ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये मैंने प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि जो हम जितने भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पे डाल रहे हैं, जितने भी नट्स डाल रहे हैं, चेरीज डाल रहे हैं, ये जाके नीचे ना बैठ जाए जब हम इसको बेक करेंगे, तो ये हमें हर एक पोर्शन में खाने के लिए मिलेगी। तो गाइस देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन को पहले से ही कोट कर लिया था, ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। उसके बाद इसमें मैदा डस्ट किया और उसके बाद इसमें ये मिक्सचर ऐड किया। तो गाइस अब हमें इसे 45 to 1 hour तक हमें बेक करना है और ये मैं गैस के ऊपर किया है गाइस। तो अच्छे से बेक करने के बाद आप इसको ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं और इसको 15 मिनट के लिए फिर बेक होने के लिए रख सकते हैं। तो बेक करने के बाद हमने इस केक को इस तरह से कट किया और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक था और नट्स से भरपूर केक है। तो गाइस आप ज़रूर इसको ट्राई करिए और क्रिसमस पे आप इस केक को ज़रूर बनाइए। तो गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए।